एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो बता दूँ कि जो चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई, एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एच, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, जो चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो यही इसका बेस है। जैसे उसको ये पता चला कि भाई चार्ज और मास किससे डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो बस वो लग गया एक्सपेरिमेंट पे। तो उसने वही डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब लेके और क्या कर दिया, इसका जो एनोड की साइड थी उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया ऐसे, और उस पे क्या लगा दी, वही जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी है। तो यहाँ लगा देते हैं भाई हम भी जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी, ठीक है, ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी, ठीक है, और यहाँ से वही सेम, बाकी कुछ चेंज नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ से ये है कैथोड, ठीक है, और ये है एनोड, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना, दिस इज योर एनोड, परफोरेटेड एनोड, ठीक है जी, मेरे हिसाब से क्लियर है, होगी बात, यहाँ से इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, वैक्यूम पंप भी है, क्लियर है। अब क्या किया उसने, उसने यहाँ से वही सेम 10,000 वोल्ट उसने अप्लाई किया, तो क्या हुआ, यहाँ से कैथोड रेज निकलने लगी भाई, कैथोड रेज निकली, और उसने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, तो कैथोड रेस जो हैं वो इनसे निकल के, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, ओके, ये इससे निकली तो किधर जाएगी, इट विल डेविएट टुवर्ड्स दी, ब्लू कलर से दिखा देते हैं, इट विल डेविएट टुवर्ड्स दी, अच्छा याद रहे ये सिर्फ इतना ही नहीं मुड़ता है, ये मुड़ेगी पूरा सर्कुलर पाथ पे, बट किस तरफ मुड़, इससे सर्कुलर पाथ बनाएगी अपना, जब ये पॉजिटिव तो ऑब्वियस सी बात इसके अराउंड ही तो जाएगी ना, ठीक है, ये पूरा सर्कुलर पाथ बनाएगी, तो यहां से जब ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड आपने दिया तो ये किधर मूव कर गया, ये मूव कर गया ए पॉइंट की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज ए, तो क्या किया, व्हेन व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ई ऊपर लिख चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, देन कैथोड रेस को कहां स्ट्राइक करना चाहिए, कैथोड रेस स्ट्राइक टू, स्ट्राइक ऑन पॉइंट ए, पॉइंट ए पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, अब हम लोग कैथोड रेस ना करके क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ पोल इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, तो अब किधर जाना चाहिए, नाउ इट शुड डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, तो ये किधर जाएगा, बी पॉइंट पे, तो व्हेन व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन कैथोड रेस स्ट्राइक ऑन पॉइंट बी, पॉइंट बी पे अप्लाई करनी चाहिए। अब यहां से बड़ा इंटरेस्टिंगली आपको समझना है, व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर अप्लाइड परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे चलेगी मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे, व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड, एक दूसरे के परपेंडिकुलर एंड ईच अदर एंड 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 सोर्स ऑफ कैथोड रेज, सोर्स ऑफ कैथोड रेज, जहां से कैथोड रेज निकल रही है उसके सोर्स से भी, देन एंड एडजस्टेड सच दैट, एंड एडजस्टेड क्या किया, दोनों को, दोनों अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो यहां पे ये लिख देते हैं भाई ऐसे, इसको तो हम लोगों ने रेड कलर से ही दिखा देते हैं, ये नॉर्थ साउथ, और ये हमने परपेंडिकुलरली क्या लगा दिया है, ये पॉजिटिव और इधर से ये
नेगेटिव, ठीक है, ये लगा दिया भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, और उसको एडजस्ट किया, देन देन द कैथोड रेस, कैथोड रेस रेस स्ट्राइक ऑन पॉइंट सी, पॉइंट सी विदाउट डेविएशन। इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि वो डेविएट ना हो और वो सीधी जाके स्ट्राइक करे, ठीक है, ये ऐसी सीधी गई और सी पॉइंट पे स्ट्राइक कर गई बगैर डेविएट हुई। तो यहां पर जब वो अनडेविएट नहीं हो रही है, मतलब अनडेविएटेड है, तो क्या होगा, व्हेन द कैथोड रेस, व्हेन द कैथोड रेस, कैथोड रेस पास अनडेविएटेड, बगैर मुड़े हुए वो पास हो गई, देन चार्ज बाय मास रेशियो इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगी, दैट इज इक्वल टू ई बाय एच स्क्वायर आर। ये है भाई, दिस इज द वे। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड हमने खुद ही तो एडजस्ट किया है, और व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कर्व, कर्व ऑब्टेंड, ऑब्टेंड ड्यू टू डेविएशन ऑफ, रेडियस ऑफ कर्व ऑब्टेंड ड्यू टू डेविएशन ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज जब डेविएट होती हैं तो वो कर्व बनाती हैं, ठीक है, एक सर्कल बनाएंगी, ठीक है, मैं तो यहाँ कर्व ही ले रहा हूँ, बट ये जैसे ये पॉजिटिव है ये यूं घूम के और यूं ही आ जाती है। तो इसकी क्या रेडियस है, वो रेडियस आपने लेनी है, एच आपको पता है, ई आपको पता है, तो ई बाय एम ही आ जाएगा। तो बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, दीज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बेस पे थॉम्सन मेजर्ड, क्या मेजर किया, मेजर्ड ई बाय एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट वॉज फाउंड टू बी, ये कितनी मिली, दिस वैल्यू इज ई बाय एम इज 1.76 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 कूलाम पर ग्राम। ई की चार्ज की यूनिट है कूलाम और मास है ग्राम में, ठीक है, मास ग्राम में है। तो अगर वो थॉम्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, थॉम्सन ने रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट्स, रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स बाय टेकिंग, टेकिंग डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस, उसने अलग अलग गैस लेके और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ही ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड दी, ही ऑब्टेंड, उसको क्या मिली, ही ऑब्टेंड ऑलवेज सेम, सेम ई बाय एम वैल्यू, हमेशा उसको ई बाय एम वैल्यू यही मिली। तो इससे उसने क्या कंक्लूड किया, या तुम लोग क्या कंक्लूड करते हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो हर एक में ही है कि नहीं, अगर मान लो अलग अलग वैल्यू आती, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं था इसीलिए वैल्यू अलग हो गई, बट अगर इलेक्ट्रॉन था तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज आ ही नहीं सकता। तो इससे सो वी कैन से दैट, वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन इज द यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट ऑफ, यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट ऑफ, मतलब ये सभी में मिलेगा, कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम, एटम का यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट कौन है, इलेक्ट्रॉन है। क्यों है, बता दिया कि चार्ज बाय मास रेशियो सेम आएगी। अब दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, होपफुली मैंने सारी बातें क्लियर करी आप लोगों को। तो दिस इज इन द नोट। अब फिर आते हैं प्रॉपर्टीज, अगली प्रॉपर्टी क्या है, मास ऑफ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, दैट इज डिनोटेड बाय एम। अब आप लोगों को पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इनटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम विद नेगेटिव साइन, नॉट
Undoubtedly, E by M is 1.76 into 10 raised to the power 8 coulomb per gram. Put कर दो भाई यहाँ पे. कैसे करोगे? E by M कर दो. तो क्या हो जाएगा? E से E cancel, M ऊपर आ जाएगा, तो mass of electron ही तो आ गया. तो 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb divided by 1.76 into 10 raised to the power 8 coulomb per gram. तो ये क्या हो जाएगा? The value comes out to be 9.1096 into 10 raised to the power minus 28 gram. 28 gram. किलो किसके बराबर होता है? 1 किलो is 10 raised to the power 3. मेरी बेसिक टर्म्स की पे वीडियो आप देख लें, उसमें सारी बातें हैं. तो इसको 9.1096 into 10 raised to the power minus 31 किलोग्राम भी लिख सकते हो. ठीक है, तो this is the mass of electron. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 9.1096 into 10 raised to the power minus 31. It is the lightest element. सबसे हल्का एलिमेंट यही है. ओके, अब हम लोग कंपेयर करेंगे. कंपैरिजन. अच्छा, एक चीज और है. दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज known as rest mass, known as rest mass of electron, rest mass of electron, rest mass of electron बोला जाता है. इसका मतलब क्या है? कि ये उस इलेक्ट्रॉन का मास है जो इलेक्ट्रॉन की velocity of light से बहुत कम है. तो ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1096. अगर आप चाहते हो कि मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, अगर आप मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास मेजर करना चाहते हो, तो इट विल बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर. ये वैल्यूज से निकल के आएगा. ये क्या है? व्हाट इज वी? वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे वो चलेगा, velocity of electron, and c is the velocity of light. इससे आप निकाल सकते हो ये values. ठीक है, तो mass of moving electron is equal to, अगर आप चाह रहे हो rest mass, ये है, आपको यही use करना है. Okay, next आता है क्या? comparison of mass of electron and mass of an atom of hydrogen. Hydrogen के एक atom का mass भी हम लोग, और electron के mass में क्या relation है, क्या कितना गुना भारी है electron एक hydrogen के atom से. तो mass of hydrogen atom is equal to, आप सबको पता है atomic mass 1.008 amu, atomic mass unit. 1 amu किसके बराबर है? Is equal to 1.66 into 10 raised to the power minus 24 gram. मैं calculate कर चुका हूँ. तो what is the mass of hydrogen atom? Hydrogen atom का mass कितना आ गया? 1.008 into 1.66 into 10 raised to the power minus 24 gram. यही आ गया कि नहीं आ गया? और what is the mass of electron? Mass of one electron कितना है? 9.1096 into 10 raised to the power minus 28 gram. अब कंपेयर करते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.008 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाय 9.1096 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 28 ग्राम्स. तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू? इट कम्स आउट टू बी अराउंड, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, तो 10 की पावर 4 के करीब, तो 1837. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. मतलब हाइड्रोजन एटम जो कि लाइटेस्ट एलिमेंट है, उससे भी 1/2000 के करीब वो क्या है? हल्का है. उसका 1/2000, अराउंड 2000, 1837. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट. तो अब हम सारी प्रॉपर्टीज निकाल चुके हैं. नाउ यू कैन गिव दी
डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी के लिए ये सारी बातें बताई गई थी, यही हमारा मेन मकसद था। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन इट इज द फंडामेंटल, इट इज द नेगेटिवली चार्ज ऐसे नहीं, इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम हैविंग यूनिट नेगेटिव चार्ज, या फिर चार्ज की वैल्यू भी बता चुका हूं कितनी है, यूनिट नेगेटिव चार्ज, एंड हैविंग 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। होपफुली क्लियर हो गया होगा, मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा ही नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। इसके अलावा जो है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज का सोर्स क्या है। कैथोड रेज का सोर्स जनरली स्टूडेंट्स तभी कह देंगे कैथोड, असल में ऐसा है नहीं। अब आप लोग इजीली समझ गए, इनिशियली कैथोड रेज स्टार्टिंग में तो कहां से निकलती थी, कैथोड रेज आर एमिटेड फ्रॉम कैथोड, कहां से निकली है, कैथोड से, बट लेटर दे स्ट्राइक विद दी गैसियस पार्टिकल्स, वो गैसियस पार्टिकल्स से स्ट्राइक करती हैं पार्टिकल्स एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगी, और इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही तो कैथोड रेज है, यहां से निकली भाई ये गैस के पार्टिकल्स ले लो, यहां से कैथोड रेज निकली, ठीक है ये कैथोड ही मान ले, तो वो इससे स्ट्राइक करी तो अब इलेक्ट्रॉन चला, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, ठीक है, एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो क्या है सोर्स, तो सोर्स दो हो गए, इनिशियली तो कैथोड से ही निकली है, बट लेटर वो कहां से निकली है, जो गैसियस पार्टिकल्स हम उसे स्ट्राइक कर रहे हैं। याद रहे कैथोड रेज कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, एक्सरे कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन है अगर वो बहुत फास्ट चले तो। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसने डिस्कवर किया, मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। जो मैंने आज आपको बताया मैं उसका एक बार आपको रिकैप भी दे देता हूँ, कि पूरा कंक्लूड कर देता हूँ मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो क्या क्या पढ़ाया भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज को डिस्कवर कहाँ पे किया गया है, कैथोड रेज को डिस्कवर किया गया है दिस इज दी क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या थे, ये कैथोड से निकला था, तो कैथोड से एमिटेड फ्रॉम कैथोड से ये निकला है, ठीक है ये चीज़ होगी। इसके बाद कैथोड की जो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, वो थी जे थॉमसन और बाकियों ने पढ़ी थी, वो क्या थी, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, दे कास्ट शेडो, इससे पता चला दे आर मेटीरियल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और इसीलिए इनको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, स्टोने ने नाम दिया था, नेगेटिवली चार्ज्ड मेटीरियल पार्टिकल्स आर दिस वन, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, वो जब भी किसी मेटल से स्ट्राइक करते हैं, जैसे कि हम दो हाथों को पीटते हैं, तो दे आल्सो प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट, शायद ये वहाँ नहीं लिखा गया था, कोई बात नहीं आप बाद में भी लिख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट। और भाई इसके अलावा फोटोग्राफिक प्लेट दे प्रोड्यूसेस एक्सरेज व्हेन स्ट्राइक ऑन दी मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ये बातें बताई थी। ये सारी बातें बताने के बाद हम इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज पे आ गए, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, यूनिट नेगेटिव चार्ज भी इसको बोला जाता है, -1,
इसके अलावा E by M ratio is 1.76 into 10 raised to the power 8 कूलम पर ग्राम, यही थी। तो इससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1096 into 10 raised to the power minus 28 ग्राम, ठीक है। और भाई इसका जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आपको याद रखना था। बस यही सारी बातें मैंने बताई थी, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो भाई पूछ लेना, काफी लेंथी वीडियो हो गया, बट आपको सभी कुछ पढ़ना चाहिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अगला जो वीडियो रहेगा वो वीडियो प्योरली रहेगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बहुत छोटा टॉपिक बनेगा आगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।